हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग के, जिनसे आप जुड़ सकते हैं और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं, ताकि आप लोगों के सामने ऐसे ही रेगुलर अपडेशन के साथ कंटेंट प्रोवाइड होता रहे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर लिंक दे रखा है वो है हमारा ग्रेड अप लर्निंग ऐप, जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पर। तो डाउनलोड करें और किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन को जारी करें और फॉलो करें मुझे, जो आप लोगों के लिए वहाँ पर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्विज एंड कंटेंट प्रोवाइड होता है। तो आप फॉलो कर सकें और मेरी क्विज को आप कंटिन्यू करें, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं वहाँ पर, और इन्फो टीचिंग को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के सामने रेगुलर अपडेशन के साथ साथ रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूँ ही मिलता रहे। स्टार्ट करेंगे आज का जो टॉपिक है, स्पेशली हमारा KVS न्यू वैकेंसीज 2018 की जो रिसेंटली अपडेट हुई है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 है। और फुल डिस्कस करेंगे यहाँ पर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। PRT, TGT एंड PGT से रिलेटेड होगा और बाकी की जो पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड मैं अपकमिंग आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 24 अगस्त से 13 सेप्टेम्बर तक है। तो जैसे ही आप लोगों के सामने ये परफॉर्मा आ जाता है फॉर्म फिल करने का, आप अच्छे तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, ताकि आप लोग एक भी मिस्टेक ना कर सकें और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। क्योंकि KVS में मोस्ट ऐसे कई बार हो चुका है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है थोड़ी सी सिली मिस्टेक की वजह से, तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल PRT एंड TGT के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। पार्ट वन में देखिए, जर्नल इंग्लिश और जनरल हिंदी को दे रखा है यहाँ पर पार्ट वन में। 15-15 दोनों के क्वेश्चंस होंगे, 15-15 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि टोटल पार्ट वन का जो सेक्शन होगा वो 30 मार्क्स का होगा। पार्ट टू में देखिए, करंट अफेयर्स आप लोगों के 40-40 के अकॉर्डिंग होंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया रीजनिंग के साथ, 40-40 के अकॉर्डिंग होगा। एंड टीचिंग मैथोडोलॉजी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 40-40 के अकॉर्डिंग होंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो आपके 150 हो जाते हैं, टोटल मार्क्स आपका 150 के अकॉर्डिंग हो जाता है। सो टोटल यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि 2.5 घंटे मिलेंगे आपको TGT एंड PRT के एग्जाम में। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को जारी कर सकते हैं। देन है हमारा, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, TGT एंड PRT, यानी कि प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोनों का सेम है, बट PGT का डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है, पार्ट वन में आप लोगों को जनरल इंग्लिश मिलेगा 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल हिंदी मिलेगा 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 20 क्वेश्चंस। पार्ट टू में आप लोगों को करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। टीचिंग मैथोलॉजी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। एंड जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको 100 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 क्वेश्चंस मिलेंगे 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो टोटल आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 200 एंड टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200। टाइम ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का रहेगा स्पेशली PGT में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। देन है हमारा KVS PRT म्यूजिक एग्जाम पैटर्न। म्यूजिक टीचर को जो एग्जाम पैटर्न है उसे देखेंगे। पार्ट वन में आप लोगों को जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में 15-15 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 30 मार्क्स का जो दोनों पैटर्न को लेकर चलेंगे, दोनों का जो टोटल मार्क्स है वो 30 के अकॉर्डिंग हो जाता है पार्ट वन। एंड पार्ट टू में देखिए, करंट अफेयर्स आपको 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो आपके 60 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल हो जाता है यहाँ पर 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं 150 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको मिलेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। सो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। देन चलते हैं, एक नोट दे रखा है यहाँ पर, देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, सो डोंट फियर एनी पर्टिकुलर सेक्शन। फाइनल सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड द इंटरव्यू परफॉर्मेंस। मोस्ट जो हमारा यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पार्ट वन में भी पास होना ज़रूरी है, पार्ट टू में भी पास होना ज़रूरी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होनी चाहिए, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। जब आपका रिटर्न बेस या रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तब आप बढ़ेंगे इंटरव्यू परफॉर्मेंस की ओर। इंटरव्यू जैसे ही हमारा, यानी कि आप लोगों का क्लियर हो जाता है, रिटर्न एंड इंटरव्यू बेस के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कंटिन्यू होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
देन चलते हैं सिलेबस की ओर। तीनों का सिलेबस यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर अलग अलग नहीं दिखाया है, तीनों को थोड़ा सा एक साथ लेकर चलेंगे तो देखेंगे। सबसे पहले आप लोग करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ईजी सब्जेक्ट फॉर KVS TGT PGT एंड PRT एग्जाम। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है या मेन सब्जेक्ट है या मेन जो हमारा सबसे अच्छा रोल जो प्ले करता है वो करंट अफेयर्स का ही है, क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स KVS एग्जाम नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं TGT एंड PRT में और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PGT एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैंने जो सिलेक्टेड पोर्शन डाला है वो 11 टॉपिक्स डाले हैं, इन 11 टॉपिक्स से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स करने हैं और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स के तो आप लोगों को एक टिप्स पे जो बोलते हैं कि टिप्स पे आपको सारी बातें लर्न होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको लास्ट 3 मंथ्स की करनी है। और लास्ट टू लास्ट 3 मंथ्स के आप करेंगे यानी कि 6 मंथ्स का जो हो जाएगा पूरा सेक्शन उसको आप जारी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। देन देखिए रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंसी, दोनों में से कुछ भी, तो रीजनिंग सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी सब्जेक्ट फॉर KVS TGT PGT एंड PRT एग्जाम। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं TGT एंड PRT एग्जाम में और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PGT एग्जाम में। तो यहाँ पर 12 यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड है सिलेक्टेड पोर्शन को यहाँ पर डाला है, क्योंकि रीजनिंग में देखा जाए बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, बट यहाँ पर सिलेक्टेड आपको 12 टॉपिक्स को ही कवर करना है ताकि आप लोग रीजनिंग में 40 में से एटलीस्ट 35 तो गेन कर सकते हैं और PGT एग्जाम में 20 में से एटलीस्ट 17-18 गेन कर सकते हैं अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ओनली 12 टॉपिक्स की हो। तो ये 12 टॉपिक्स अच्छे तरीके से करिए और अपनी रीजनिंग की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। देन है सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी में आपको ये 8 टॉपिक्स करने हैं, 8 टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और ये चीज़ में ध्यान रखेंगे आप लोग, कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, तो उस चीज़ से भी रिलेटेड आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी को करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी हिंदी में। हिंदी में सबसे चीज़ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, प्रैक्टिस सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो, और हिंदी थोड़ा सा ईजी सेक्शन हो जाता है तो इसमें तो इतनी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर 15 मार्क्स का पूछा तो एटलीस्ट 15 तो आप 15 में से 14 तो आप एटलीस्ट गेन ही कर सकें। देन है जनरल इंग्लिश, वही सेम चीज़, 7 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने डाले हैं जो आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 के अलावा यहाँ पर आपको कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा, तो इन्हीं 7 टॉपिक्स में से आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा जाता इंग्लिश में, हिंदी में वैसे ऑलमोस्ट नहीं पूछा जाता है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि KVS का थोड़ा सा माइंड आउट हो जाए या हो भी सकता है, डाल सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, बट इस इतना ध्यान में रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन इतना नहीं आएगा तो, बट ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे तरीके से रिमाइंड होने चाहिए। इंग्लिश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी को कंटिन्यू करें, क्योंकि 15 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमारी माइंड को थोड़ा सा अपर लेवल तक ले जाते हैं, तो अपर लेवल के अकॉर्डिंग आपको वो वोकैबुलरी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। टीचिंग मेथोडोलॉजी में देखिए आपको 10 टॉपिक्स करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड तो मेन है, एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है। टीचिंग एप्टीट्यूड को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, टीचिंग स्किल्स को भी कंटिन्यू करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इन 10 टॉपिक्स में दे रखी हैं। ये 10 टॉपिक्स आप लोगों को इग्नोर नहीं करने हैं, नेगलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि टीचिंग मैथोलॉजी में देखा जाए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम मतलब कि आप लोग बुक्स के अकॉर्डिंग या नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, बट मेन जो है वो आप लोगों के सामने ये 10 टॉपिक्स हैं, इन्हीं को अच्छे तरीके से करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करें और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और इन्हीं में से आपका 40 मार्क्स का जो पूरा पेपर होता है वो इसी में से बनकर आता है। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहीं से ही यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से गेन करने हैं। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि टीचिंग मैथोडोलॉजी में या टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग। देन है हमारा एडिशनल सब्जेक्ट फॉर KVSE PGT टीचर। PGT टीचर यानी कि जो कैंडिडेट या जिन कैंडिडेट का जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, वो यहाँ पर इन 10 टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, इन 10 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लें ताकि उनका जो मेन सब्जेक्ट है वो इसी के अकॉर्डिंग यानी कि जो 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो इसी से रिलेटेड हो, इन्हीं से रिलेटेड हो। देन है हमारा कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर PGT में और PRT म्यूज़िक में स्पेशली पूछा जाता है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड फॉर्म दिस सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन विल बी आस्क. कंसर्न सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट चूजन बाय कैंडिडेट्स. जो आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया हुआ है उसी से रिलेटेड 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा. और पीजीटी में स्पेशली केमिस्ट्री हो या कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड सोशल साइंस, तो इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से, इन्हीं से रिलेटेड आपको अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना है. केवीएस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर एग्जाम पैटर्न इज सेम, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए एंड पता ही होगा. पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम पैटर्न इज डिफरेंट, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में और सिमिलैरिटी कुछ कुछ चीज़ें हैं. थोड़ा सा जो मतलब कि पोर्शन है वो उतना ही करना है हमें और टॉपिक्स हैं वही चीज़ें करनी है, बस थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न का थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है. और वैसे तो सब कुछ मतलब कि सेम लेवल पर ही है, तो इस चीज़ को आपको अपने माइंड में रखकर अपनी प्रिपरेशन को जारी करना है. और केवीएस का पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन का जो पैटर्न है वो आप इन्फो टीचिंग पर आपको रेगुलर अपडेट के अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा. कंटिन्यू करेंगे हम अपनी प्रिपरेशन को, सो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को मैं बोलूँगी कि सी टेट हमारा जो कंटिन्यू हो रहा है और सी टेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं, और ये भी चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग. DSSSB के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को जारी करें. केवीएस से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स केवीएस क्लियर करना चाहते हैं तो वो इन यानी कि जिन कैंडिडेट का इन तीनों से जो भी एग्ज़ाम पैटर्न हो या एग्ज़ाम हो उसे जारी करने के लिए आप लोगों को इन्फो टीचिंग को फॉलो करना ही होगा. तो उस चीज़ के लिए अपनी कंटिन्यू करें प्रिपरेशन को, इन्फो टीचिंग को फॉलो करें. और आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी लिंक पर जाकर. एंड बेस्ट विशेज फॉर एवरीवन, कंटिन्यू करें अपनी प्रिपरेशन को एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इन्फो टीचिंग को, ताकि आप लोगों के सामने रेगुलर वीडियोस आती रहें. और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को अपडेट देखना होगा कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब के, तो जारी करूंगी मैं कल ही आप लोगों के सामने. कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रिपरेशन को. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक अबाउट टीचिंग एग्जाम. कीप वॉचिंग.